तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त शशिकांत द्विवेदी और आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी नायगांव ईस्ट में। जी हाँ दोस्त, तो आज का प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे होने वाली है, बहुत ही बढ़िया ये फ्लैट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्राउंड प्लस 16 मंजिल का टावर होने वाला है, काफ़ी अच्छे फ्लैट हैं, अच्छा स्पेस है, कारपेट एरिया बड़ा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के वीडियोज़ देखने को आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हो, काफ़ी प्यार देते हो मुझे, मेरे बहुत सारे लोग जो है मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि जो है थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि जो भी मैं काम करता हूँ उसके लिए आप जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हो और अपना जो परिवार है, यूट्यूब का फैमिली है, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और लाइक तो ज़रूर किया करो। तो दोस्तों ये जो फ्लैट होने वाले हैं ये स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले हैं, रोड टच ये बिल्डिंग रहेगा, ऑटो रिक्शा बस सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो है स्टेशन के आसपास स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब कुछ जो है आसपास में ही आपको मिलने वाला है, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही। दोस्तों ये वसई नायगांव लिंक रोड पे लगता है ये बिल्डिंग। और पजेशन की बात करें तो 2025 दिसंबर में इसका पजेशन जो है दिया जाएगा। तो अगर आप लोग जो है एक अच्छा घर देख रहे हो, बजट में घर देख रहे हो, अपने प्राइस में देख रहे हो, तो इस फ्लैट पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, ये घर मुझे पसंद आते हैं आपको, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, आइए एक बार साइट विजिट कीजिए, स्टेशन से अपना पिकअप ड्रॉप सब रहता है। तो आप लोग जो है आएंगे, जब अपॉइंटमेंट लेंगे, कॉल करेंगे, हमारी गाड़ी आपको स्टेशन पर मिलेगी, वहाँ से आपको लेके आएंगे और सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं ये घर कैसे हैं, इसके बाद में और हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है 90% फाइनेंस अवेलेबल है, मोदी वाला जो अभी सब्सिडी है वो भी स्टार्ट हो गया है दोबारा, तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपका पहला घर होगा तो। तो दोस्तों देर मत कीजिए, चलिए वीडियो पे बने रहिए, देखते हैं घर कैसे हैं, इसके बाद में हम और डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हम लोग देखिए फ्लैट के बाहर, और एंट्री करते मिलता है आपको बहुत ही बड़ा लेविश लिविंग रूम। और दोस्तों ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होने वाला है, जैसे दोस्तों ये दिख रहा है सेम ऐसे ही आपको मिलने वाला है। ऊपर मिलने वाली है फॉल सीलिंग, ऊपर मिलने वाली है झूमर, आपको मिलने वाले हैं कर्टन्स जो भी दिख रहे हैं ऊपर, अच्छी खासी आपको मिल जाती है फॉल सीलिंग। और सामने देखिए जहाँ कर्टन लगे हैं उसके ऊपर मिल जाता है एक वुडन का फिनिश वर्क। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये प्रॉपर्टी होने वाली है। और इस कारपेट एरिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 412 स्क्वायर फीट इसका रेरा कारपेट है। यूजबल कारपेट की बात करते हैं तो ये लगभग 495 के आसपास में इसका जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल्स लिख दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना सारा कुछ याद नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर देखिए बहुत ही प्यारी इसमें डिजाइन बनाई गई है दोस्तों। ये रहेगा नायगांव ईस्ट में, स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये फ्लैट होने वाले हैं और रोड टच ये बिल्डिंग होने वाली है। चलते हैं देखते हैं इसका किचन। किचन में जैसे एंट्री करेंगे आपको मिल जाता है देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको प्लेटफॉर्म, ऊपर देखिए कैबिनेट वगैरह सब लगा के मिलेगा ऐसे जैसे कि दिख रहा है। ये देखिए मॉड्यूलर किचन दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ये देखिए अभी हम दिखाएंगे आपको, काफ़ी बड़ा इसका मिल जाता है वॉश बेसिन, मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाएगी, नीचे ग्लॉसी टाइल्स दी हुई है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लैट आपको होने वाला है। आगे मिल जाती है आपको ड्राई एरिया, यानी कि यहाँ पे आप अपने वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हो। बाहर देखिए रोड टच बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको 3 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स आने वाला है और 16 मंजिल की ये बिल्डिंग होने वाली है। बालकनी देखिए काफ़ी अच्छी बालकनी है यहाँ पे दोस्तों। इसका पोजीशन की बात करें अगले साल 2025 में इसकी हम पोजीशन देने वाले हैं। टॉयलेट बाथरूम अलग अलग दिया गया है, बहुत सारे हमारे दोस्तों का कहना होता है कि सर टॉयलेट बाथरूम एक में नहीं जमता है, तो इसलिए आपकी बातों का ध्यान रखते हुए हमने टॉयलेट बाथरूम अलग अलग बनाया है। प्लम्बिंग वर्क भी बहुत ही खूबसूरत है, सारा का सारा जो है ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ये देखिए टाइल्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। कम बजट में अगर आपको बड़ा कारपेट एरिया चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, आइए एक बार साइट पर विजिट कीजिए,
पसंद कीजिए घर को, 90% फाइनेंस अवेलेबल है। अभी जो है हमारे पीएम मंत्री जी ने, जो है हमारे मोदी जी ने, इन्होंने जो है दोबारा से जो है आवास योजना लागू कर दी है, यानी कि सब्सिडी जो पहले मिलती थी वो अब दोबारा मिलने लगी है। तो अगर आपका पहला घर होगा, आप उन सब चीज़ों पे खरे उतरेंगे, उन मानकों पे जो इनकी शर्तें होती हैं, तो वहाँ पे आपको 2,67,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर 4-5 लाख रुपए आपकी जेब में है, तो आप लोग चौल घर वगैरह में बहुत सारे लोग जाते हैं, पहले मैं भी आपको इनक्रेज करता था, बट अब मैं आपको समझाऊंगा कि 4-5 लाख रुपए आपके जेब में है अगर, तो आप एक अच्छा खासा फ्लैट लीजिए, आराम से जो है उसकी ईएमआई पे कीजिए, और वो आपको सुरक्षित रहता है, जब चाहिए आप उसको बेच सकते हैं, कभी कोई टेंशन नहीं होती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चौल वगैरह में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने किया है इधर 3-4-5 सालों में चौल रूम बेचने के बाद में। तो मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि आप एक अच्छा फ्लैट लीजिए, हाँ भले ही सस्ता लीजिए, कम बजट वाला लीजिए, बट फ्लैट में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा, कहीं भी प्रॉपर्टी लेने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में ही प्रॉपर्टी खरीदिए। तो दोस्तों अभी देखा आपने ये फ्लैट, काफ़ी बढ़िया फ्लैट हैं, बहुत ही अच्छे और लग्जरी फ्लैट हैं ये। स्पेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 400 प्लस कारपेट यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है सारा कुछ अवेलेबल रहेगा, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी कम रेट में है, और अगर आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर देखना चाहते हैं नायगांव वसाई के बीच में एकदम मिडिल में, तो ये फ्लैट आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं भी प्रॉपर्टी आप खरीदिए, किसी से भी खरीदिए, मैं हर वीडियो में आपको समझाता रहता हूँ कि पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, पूरी अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए, इसके बाद में ही कहीं कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदिए। क्योंकि क्या होता है ना, इस फील्ड में चीटिंग फ्रॉड धोखा बहुत होता है, आपका मेहनत का पैसा होता है, ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा होता है, तो किसी को ऐसे नहीं देना चाहिए जब तक कि आप उस चीज़ पर पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं तब तक। तो बस दोस्तों ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, आते हैं और सस्ते ब्लॉग्स लाता रहूँगा। हमारा आगामी जो ब्लॉग रहेगा आने वाले, वो रहेंगे विरार के, बहुत ही कम प्राइस में विरार में घर होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही सस्ते प्राइस में मैं घर लेके आया हूँ विरार में। तो अगर किसी को विरार में स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर घर चाहिए, तो तुरंत मेरा अगला ब्लॉग ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के वीडियोज़ देखने को आपको मिलते रहें। तो बहुत जल्द दोस्तों मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।